अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पर इतनी दूर ले जाके छोड़ दिया, तो ये अपने इसी मेन पोजीशन के अबाउट मूव करेगा। इट विल मूव टू एंड फ्रो अबाउट दिस पोजीशन। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड द मिनिमम टाइम, मिनिमम इंपॉर्टेंट वर्ड, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच, मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स, कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीजें हैं जो आपको यूज करनी है। और दिस इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड 1 सेकंड भी हो सकता है, ये टाइम पीरियड 0.1 सेकंड भी हो सकता है, ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट मोशन हो रही है। तो 1 सेकंड में कितनी मोशन हो रही है, 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मोशन अकर्स, मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, सेकंड पर सेकंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स इमोशन रिपीट्स इटसेल्फ पर सेकंड, नंबर ऑफ रेपिटेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में बहुत खास ध्यान रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी को हम एक ग्रीक सिंबल है न्यू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक सिंबल है न्यू, न्यू, ठीक है। इसको न्यू नहीं बोलना, इट्स न्यू, तो बेटर इट इज न्यू लाइक दिस। और इसको बहुत कॉन्शियसली आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप वेलोसिटी के साथ इसको कंफ्यूज कर जाओगे और दिस इज अ ग्रे एरिया जहां पे सिली एरर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। So this is new, which is represented, which represents the frequency. Therefore, new is equal to 1/T, and इसके units होते हैं per second. इसके units होते हैं per second. Okay? Question लिखो जल्दी से.